भाटापारा में शिव पुराण की कथा के लिए समय दिया और पूरे सिर्फ भाटापारा के लोग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी यहाँ श्रवण करने आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पूरे आयोजन में भाटापारा का पुलिस प्रशासन, भाटापारा का स्वास्थ्य विभाग, भाटापारा के रेलवे कर्मचारी, भाटापारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, साहू समाज के लोग, महेश्वरी समाज के लोग, देवरी ग्राम पंचायत के लोग, भानुपाली मिल के कर्मचारी, महाशक्ति मंदिर समिति, ग्राम पंचायत खोलवा, बोलबम सेवा समिति और जैन समाज के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सारे जो लोग इस कथा का श्रवण करने आए, बारिश का मौसम है, हमने सारी व्यवस्था करने का प्रयास किया, जगह छोटी पड़ गई, बहुत से लोग अंदर आना चाहते थे, अंदर नहीं आ पाए, उन सबसे भी हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने प्रयास किया कि सबको व्यास पीठ का दर्शन करने का अवसर मिल जाए, पर जो लोग वंचित रह गए उनसे भी विशेष रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, हर व्यक्ति के मन में एक आत्मा होती है और व्यक्ति के हृदय से आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है। वैसे ही हमारी भारत भूमि की आत्मा सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है और देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस क्षेत्र में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या कम हुई, हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या कम हुई, वो क्षेत्र कटकर आज दूसरे राष्ट्र के रूप में, एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में हमारे सामने दिखता है। और इस प्रकार के कथा के आयोजन से लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और धर्म के प्रति आस्था ही देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है। मैं महाराष्ट्र के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। आप सब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। Thank you.
सुख